हेलो टॉपिक है मोशन का और टाइम का, ठीक है। इसके बाद जो फिजिक्स के टॉपिक होंगे कुछ आपके, वो मैं कवर करूंगा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के उसमें हरीश कवर करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट 5 मिनट और है अपने पास। बेटा वीडियो तो अभी शुरू नहीं किया ना, हैंग तो तब होगा ना, अभी शुरू नहीं किया वीडियो। एक कार है वो एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है, ठीक है, रोड पे चल रही है,
टाइम के ऊपर टाइम उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है और कार की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है, लेकिन वो जा बिल्कुल सीधी रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एग्जांपल एक परफेक्ट एग्जांपल है जो आपको ये दर्शा रहा है कि भी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन के अंदर आपकी जो कार है वो बिल्कुल सीधी जाएगी और सीधी रोड के ऊपर मुड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही बाइसाइकिल को हम लेके चलते हैं एग्जांपल, या मोटरसाइकिल को लेके चलते हैं, तो वो भी सारा का सारा आपका रोड के ऊपर जा रहा था, वो भी एक स्ट्रेट लाइन का मोशन। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका पेंडुलम। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, घड़ी का जो घंटा होता है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे स्विंग करता है, ठीक है ना, एक पोजीशन से इधर गया फिर दोबारा उधर आ गया, ठीक है, फिर गया फिर इधर, तो जितनी बार स्विंग करेगा ना, तो ये एक मूवमेंट के अंदर है। तो मूवमेंट में अगर पेंडुलम आपका है तो ये जो मोशन जो मूव कर रहा है इसको बोलने का कौन सा, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, लास्ट है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन सिंपल है आपका, ये बनाया हुआ है, ये बीच के अंदर एक पॉइंट है और उसके आसपास जो ये आपका ब्लू पॉइंट है ये मूव कर रहा है, लेकिन मूव कैसे कर रहा है, इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, हमारे जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड घूमते हैं ना, सारे सन के अराउंड घूमते हैं, तो वो सारे के सारे सर्कुलर मोशन के अंदर घूमते हैं। तो जैसे बीच में सन है और आसपास ये जो ब्लू है वो अर्थ है, तो ये एक सर्कुलर मोशन के अंदर आपका सन के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है, तो ये आपका है सर्कुलर मोशन। तो अभी तक ये तीन चीजें समझ में आ गई मोशन के बारे में, से यस। वीडियो अलग हो रहा है, कोई नहीं, एक बार दोबारा तुम इसको स्टार्ट कर लो, अगर वीडियो में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आई थिंक नाउ वीडियो इज ओके। बेटा एग्जाम में सारी चीजें आएंगी, ठीक है, ये बेसिक है, अगर आपको बेसिक ही समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे वो करोगे, ठीक है ना। यहां पर वही कराए जा रहे हैं जो आपके पर्टिकुलर आपके सिलेबस का, जो आपके एग्जाम्स स्कूल के एग्जाम्स में आएंगे या जो आपके गुरुकुल और एपीएस के एग्जाम्स में आएंगे और आपके बेसिक नॉलेज के लिए वो जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्पीड। स्पीड मतलब क्या होती है, रफ्तार। तो स्पीड को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट ऑफ टाइम। जो स्पीड है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है उसको हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, किसी को पता है स्पीड के यूनिट्स? अगर हमारा डिस्टेंस मीटर में है और हमारा जो टाइम है वो सेकेंड्स में है, तो स्पीड को हम कैसे नापेंगे भाई, फटाफट बताओ। If a car covers a distance in meters and the time unit is seconds, then the speed of car is unit क्या हो गया, फटाफट बताओ मुझे अपने कमेंट्स में बताओ फटाफट। मीटर पर सेकेंड, राइट, ऐसे किलोमीटर में होगी तो किलोमीटर पर आ रही है। ये हम अपने गाड़ी का डायल देख सकते हैं या मोटरसाइकिल पे देख सकते हैं, तो उसमें किलोमीटर पर आ रही है स्पीड आपकी आ जाती है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल के लिए वो है, इफ अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 1 आवर एंड अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर, देन द स्पीड ऑफ द कार इज मोर देन द स्पीड ऑफ द बस। ठीक है, अगर एक कार डिस्टेंस कवर करती है 100 किलोमीटर का एक घंटे में और बस करता है, कवर बस करती है कवर 50 किलोमीटर एक घंटे में, तो ऑब्वियस है कि जो स्पीड ऑफ द कार इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द बस। सिंस द स्पीड ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कांस्टेंट, The speed is the average speed. हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि जो आपकी स्पीड है वो हम एवरेज स्पीड लेके चलते हैं, और स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन द टोटल टाइम टेकन, जितना डिस्टेंस कवर किया है वो डिवाइड बाय द टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार की बात करता हूं यहां पे, तो इस केस में क्या होगा भाई, स्पीड कितनी होगी 100 बाय 1, यही हुआ ना, तो 100 किलोमीटर पर आर ये आ गई कार की स्पीड, और बस की कितनी आ गई 50 किलोमीटर इन 1 आर, यानी 50 किलोमीटर पर आर। यहां पर अगर 2 घंटे होते तो 100 को हम डिवाइड करते 2 आर से, तो आंसर क्या आता 50 किलोमीटर पर आर, और बस का अगर हम 2 घंटे में करते तो आंसर कितना आता 25 किलोमीटर पर आर।
तो ऐसे आप स्पीड को मेजर करोगे, और अगर आपको स्पीड का, टाइम का और डिस्टेंस का, ये तीनों का अगर रिलेशन इस फॉर्मूले से समझ में आ गया हो तो वेरी गुड है, नहीं तो मैं आपको वैसे ही बता सकता हूँ कि इस फॉर्मूले से आप टोटल डिस्टेंस कवर अगर आपने निकालना हो तो आंसर क्या आएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। सिंपल है ना, और अगर हमें टाइम निकालना हो तो आंसर क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये इनका रिलेशन है आपस के अंदर, जो डिस्टेंस है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्पीड इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है, और जो टाइम है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी टाइम अगर ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन इन दोनों का आपस में याद रखना। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म मोशन, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट देन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, इसमें बताया हुआ आपका, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट देन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। कॉन्स्टेंट का मतलब भाई अगर कोई आपका व्हीकल है वो 20 किलोमीटर प्रति आवर पे चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और उसकी BC है, तो वो व्हीकल एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, बिकॉज उसकी स्पीड है वो फिक्स है, वो कॉन्स्टेंट है, वो वेरी नहीं होती, ठीक है। ये थोड़ा ना रहता है, आपको चीजें एक्यूरेट पता लगती है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड्स,
अब यहाँ पर घड़ी में 12:58 हुए हैं, हमें दिख रहा है, कोई भी बता सकता है। तो इसमें जो एक्यूरेसी है वो एनालॉग के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई डिजिटल क्लॉक्स हमारी ज्यादा यूज होती है। एनालॉग की भी एक्यूरेसी बिल्कुल होती है, लेकिन एनालॉग को देखने के लिए अब यहाँ पर ये बनी हुई है ना, जिसमें एग्जैक्ट सेकंड्स का भी टाइम का पता नहीं चलेगा। तो एक नॉर्मल सा डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है, बाकी घड़ियां दोनों ही सेम ही है, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा आपका सिंपल पेंडुलम का टॉपिक है। तो सिंपल पेंडुलम का टॉपिक होता है, इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, जो इसका ऑसिलेटरी मोशन है या जो पीरियोडिक मोशन है उसको हमने स्टडी करना है, और उसी के बेस के ऊपर इसका आपने टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम है स्मॉल मेटलिक बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्टैंड बाई थ्रेड, इसको